हेलो गाइस, मेरा नाम है सूरज। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक फेस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाला हूं, जिसका नाम है बियर्डो का टर्मरिक फेस क्ले। आप देख सकते हैं। तो गाइस, आप सब जानते होंगे कि टर्मरिक यानी हल्दी के काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं हमारे डेली लाइफ में। तो गाइस, हल्दी को हमारे देश में काफ़ी सालों से यूज़ किया जा रहा है डिफरेंट तरीकों में, जैसे कि शादियों में इसे यूज़ किया जाता है क्योंकि हमारे फेस को थोड़ी ग्लो करे, और इसे डिफरेंट फेस प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। ये एक एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करती है। तो गाइस, हल्दी के काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं हमारे फेस के लिए भी, जैसे कि हमारे पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है, जितने भी डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम हो रही है, जितने भी सनबर्न की वजह से हमारे फेस डैमेज हो गए हैं उन्हें क्योर करने में मदद करती है, और जितने भी ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम है, व्हाइटहेड्स की प्रॉब्लम है, उन्हें भी ये कम्प्लीटली रिमूव करती है, और जितने भी डेड स्किन सेल्स हो गए हमारे फेस में उन्हें भी कम्प्लीटली रिमूव करती है, आपके फेस को अच्छी ग्लोइंग बनाती है, और जितने भी आपके छोटे छोटे वुंड भी रहते हैं उन्हें भी ये कम्प्लीटली रिमूव करते हैं। तो गाइस, इस टर्मरिक के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो गाइस, इस प्रोडक्ट के बारे में इस वीडियो में मैं सारे डिटेल्स कवर करूंगा। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जय नीचे में लाल कलर के बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, पहले हम लोग इसकी पैकेजिंग एंड एमआरपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, एक स्ट्रांग ग्लास की आती है और एक टाइट सील की ओपनर आती है। अगर आप देखें तो अगर आप इसकी ढक्कन ओपन करेंगे तो आपको सील मिल जाता है, उसके अंदर आपको क्रीम मिल जाएगा, येल्लो कलर की क्रीम आती है। तो गाइस, क्रीम के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट अगर आप इसकी एमआरपी प्राइस के बारे में बात करेंगे तो इसकी एमआरपी प्राइस आपको 350 रुपीज़ की आती है 50 ग्राम्स की। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करते हैं तो आपको काफ़ी सस्ते दाम में मिल जाएगा। मैंने इसे परचेस किया था 200 रुपीज़ में। तो गाइस, मुझे अमेजोन पे मिला था, तो वहाँ जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे तो इसकी इंग्रेडिएंट्स काफ़ी अच्छी है क्योंकि एक नेचुरल प्रोडक्ट है, तो इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं दिया गया है बियर्डो वाले। तो गाइस, इसमें आपको अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, आपको कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं मिलेगा, जैसे कि पैराबिन होता है, मिनरल ऑयल होता है, सल्फेट होता है, जो आपके फेस को डैमेज कर सकती है, वो केमिकल्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ग्लिसरीन है, बेंटोनाइट क्ले है, केओलिन क्ले है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, और इसमें आपको प्योर टर्मरिक भी मिल जाएगा। तो गाइस, इसमें अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है। तो गाइस, ये आपके फेस के लिए सेफ है, आपको कोई भी हार्मफुल नहीं देता आपके फेस को, आपके फेस को कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं आते हैं इसे अगर आप यूज करते हैं तो डेली बेसिस में। तो गाइस, नेक्स्ट इसके अंदर की क्रीम देखते हैं, इसकी क्रीम किस तरह आती है, क्ले फेस मास्क क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, अगर आप इसकी ओपनर ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएगा एक सील, और इसके अंदर की क्रीम आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लोज लुक दिखाता हूँ। तो गाइस, इसकी क्रीम काफ़ी सॉफ्ट होती है, जैसे कि क्ले आती है उस तरह आती है, और इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, आपको प्योर टर्मरिक का स्मेल आएगी, कोई भी हार्मफुल केमिकल की स्मेल नहीं आएगी, आपको टर्मरिक की स्मेल आएगी अगर आप इसकी स्मेल देखते हैं तो। एंड इसकी क्रीम भी काफ़ी सॉफ्ट है, जैसे कि क्ले होता है उस तरह इसकी क्रीम रहती है, काफ़ी सॉफ्ट आती है। इसकी एक अच्छी बात है कि अगर आप इसे लगाते हैं तो जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में और जल्दी सूख जाता है, जिसकी वजह से आपको कम टाइम में ही आपको स्किन अच्छी ग्लोइंग बन जाती है। तो गाइस, नेक्स्ट इसे कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके एडवांटेजेस के बारे में, इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में मैं नेक्स्ट बताता हूँ। तो गाइस, इसे कैसे अप्लाई किया जाता है, तो गाइस आपको लेना है इसकी क्रीम और थोड़ी थोड़ी आपको क्वांटिटी लेना है, और आपके फेस पर इवनली लगा लेना है, पूरी तरह लगा के आपको जब तक ये सूख जाएगा तब तक इसे रखना है। रखने के बाद इसे आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं, एंड वॉश करने के बाद आपको इसकी रिजल्ट पता चलेगा। तो गाइस, मैं इसे आपको लगा के दिखाता हूँ। आपको लेना है और अच्छी तरह से आपके फेस, पूरे फेस आपको कवर करना है। आप चाहे तो एक ब्रश की मदद से भी इसे लगा सकते हैं, मैं फिंगर से लगा रहा हूँ, तो आप चाहे तो एक ब्रश की मदद से भी इसे पूरी तरह लगा सकते हैं। तो गाइस, इस मास्क को मैंने अच्छी तरह अपने फेस में कवर कर लिया है, तो इस तरह आपको कवर करना है पूरी फेस, और नेक पर भी आप लगा सकते हैं। तो गाइस, इसे आपको सूखने तक रखना है, सूखने के बाद आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। तो गाइस, मैं इसे सूखने देता हूँ, सूखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह यह सूख जाता है, एंड उसके बाद मैं वॉश करके आपको बताता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह मेरे फेस में सूख गई है। तो गाइस, इसे जाता हूँ मैं वॉश करके आता हूँ, वॉश करने के बाद आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। तो गाइस, मैं आ गया हूँ अपने फेस को वॉश करके, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्लोइंग आई है, कितने अच्छे मेरे फेस में जितने भी ऑयल की प्रॉब्लम थी वो सब रिमूव हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्लोइंग आई है।
तो गाइस इस तरह आपको इसे अप्लाई करना है और इसे इतने देर तक छोड़ देना है सूखने तक। सूखने के बाद आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। तो गाइस इसकी रिजल्ट आपको देख सकते हैं किस तरह आई है। तो गाइस इस तरह आप इसे अप्लाई कीजिए। इसे आपको वीक में 2 बार यूज़ करना है, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। और अगर आपकी ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप 3 बार इसे यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी इसे मत यूज़ कीजिएगा। हफ्ते में 2 या 3 बार ही यूज़ कीजिएगा। तो गाइस अभी हम लोग बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस के बारे में। तो गाइस इसे लगाने से आपके फेस पर जितने भी ऑयल की प्रॉब्लम होती है, जितने भी आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, जितने भी आपकी ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती है, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम होती है, और पिंपल्स की वजह से जितने भी आपकी डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम हो गई है, आपकी स्किन डल हो गई है, और सनबर्न से जितने भी आपकी फेस डैमेज हो गई, उन सबको ये टर्मरिक क्ले मास्क रिमूव कर देता है कम्प्लीटली। आपकी जितने भी पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है वो पिंपल्स को भी ये कम्प्लीटली रिमूव कर देता है, और जितने भी आपकी डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है उन्हें भी ये कम्प्लीटली रिमूव कर देता है, और जितने भी आपकी डेड स्किन सेल्स की वजह से आपकी फेस डार्क हो जाती है उन्हें भी ये निखारने में मदद करती है। तो गाइस इसे आप रेगुलरली वीक में 2 बार यूज़ करते हैं तो एक हफ्ते में आपको रिजल्ट मिलेगा, आपकी फेस अच्छी ग्लोइंग करने लगेगी। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी स्किन टाइप पर काम करती है। तो गाइस अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपकी ड्राई स्किन है, या फिर कंबाइंड स्किन है, कोई भी स्किन टाइप हो, ये ऑल स्किन टाइप पर काम करती है, जो इसकी एक अच्छी खासियत है। क्योंकि आप जब भी एक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो ऑल स्किन टाइप पर एक काम करना चाहिए, तभी इसे आपको यूज़ करना चाहिए। तो गाइस ये थी इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू। तो गाइस अगर आपको ये रिव्यू अच्छी लगी है और थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। एंड कोई भी डाउट हो इस प्रोडक्ट के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एंड नेक्स्ट कौन से वीडियो पर आपको टॉपिक चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी स्टाइलिश एंड टेक केयर।